एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज पूजा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। एंड वंस अगेन आई एम बैक विद व्हाट आई ईट इन अ डे फॉर माय डाइट रूटीन। सो अगेन मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एंड आई एम सॉरी, फिर से बहुत ज्यादा लेट हो गया। मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो जाता है। कंटिन्यू वीडियो पोस्ट करने का सोचती हूँ, तब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक तो हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, दूसरा मुझे मेरे स्किन पे बहुत सारे ये वाले राइट वाले चीक पे बहुत सारे एक्ने हो गए थे, एक तो यहाँ पे भी थे, चिन पे भी थे। तो उसकी भी वजह से मेरा मन नहीं करता था वीडियो अपलोड करने का। मुझे ये लगता था स्किन ठीक हो जाए उसके बाद ही शेयर करेंगे। सो फाइनली अभी मुझे थोड़ा सा फील गुड हो रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ आज अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसा कि जो लोग मुझे जानते हैं, सॉरी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं अपना वेट लॉस जर्नी में हूँ। इससे पहले भी मैं कई 4-5 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ मंडे टू फ्राइडे तक के डाइट रूटीन के। सो ये हमारा आज का सैटरडे डाइट रूटीन होगा। सो आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आ जाए मेरा ये वीडियो। सो अगर आप लोग भी अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो मेरा ये डाइट रूटीन आप लोग फॉलो कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा डाइट रूटीन है और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि डाइट के साथ साथ आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, जो कि मैं भी करती हूँ, तभी आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, हेल्दी खाना खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, अच्छे से डाइट फॉलो कीजिए और अच्छे से वर्कआउट कीजिए। सो आपका डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा ही होगा। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और अपना डाइट रूटीन देखें। तो हमेशा की तरह मेरी फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो है हनी वाटर। सो वार्म वाटर के साथ में मैंने हनी लिया है, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। सो 6 बजे मैंने अपना हनी वाटर लिया था, उसके बाद अराउंड 7 o'clock मैंने आज ग्रीन टी ली और कुछ सोक्ड आलमंड लिए। सो सोक्ड आलमंड मैं हमेशा ही लेती हूँ, ग्रीन टी और टर्मरिक टी चेंज होती रहती है। देन हम ब्रेकफास्ट में आ जाते हैं, तो 8 से 9 बजे के बीच मेरा ब्रेकफास्ट था। आज मैंने यहाँ पे ओट्स की खीर बनाई थी, जो कि मैंने मिल्क में जैगरी डाल के बनाई थी, शुगर मैंने ऐड नहीं किया था, तो बहुत ही यमी लग रही थी, बहुत ही टेस्टी लग रही थी सच में। और कुछ मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले थे। उसके बाद अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में आते हैं, तो वहाँ पे आज मैंने लिया था एक ऑरेंज, जो कि अराउंड मेरा 10 to 11 o'clock के समथिंग होता है। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे खा लेती हूँ, कभी ऑरेंज, कभी बनाना, कभी एप्पल, कभी पपाया। और लंच जो है आज, उसमें मैं अपने लिए सिंपल सी मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई हुई है, कोई मसाला नहीं डाला है, सिर्फ सॉल्ट डाला है और सिंपल सी है बिल्कुल, जीरे का मैं मतलब ज़रा से ऑयल में तड़का टाइप का, बस उसी तरह से एक रोटी के साथ लिया था। दूसरी रोटी जो है वो मैंने अपनी बेटी के लिए रखी हुई थी। सो इसी तरह से मेरा सिंपल सा लंच था, आज सैलेड नहीं था इसलिए वो मैं नहीं ले पाई। फिर हम इवनिंग स्नैक में आते हैं, जो कि अराउंड 4:30 तक मेरा होता है। अगेन मैंने सीड्स लिए हैं और एक ग्रीन टी ली है। और ब्रेकफास्ट में आज मेरे हस्बैंड ने स्पेशली मेरे लिए ऑमलेट बनाया था, तो फिर आज मैंने 3 अंडों का ये ऑमलेट था, तो आज वो मैंने खा लिया। यही था मेरा रूटीन आज का। सो आई होप आप लोगों को आज का भी मेरा ये इजी पीजी सा डाइट रूटीन जो है वो अच्छा लगा होगा। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को भी हिट कर दो, ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो से आप लोग अपडेटेड रहें, उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हैप्पी।